हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ देखी कि स्टेटिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, गवर्नमेंट कैसे यूज़ कर रही है, और हम लोग ये साल क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब चीज़ हमने वहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में पढ़ी। ओके, तो अभी हम लोग क्या करें, डायरेक्टली सम्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सम्स करेंगे तो पता चलेगा स्टेटिस्टिक्स कितने मज़ेदार है। ओके, सो विल बी एंजॉइंग द प्रोसेस कि भाई हाँ यस, ये हमें मज़ा आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं कैलकुलेटर भी ले लिया। ठीक है, आपको भी कैलकुलेटर कंपलसरी ले लेना है, और नॉर्मल कैलकुलेटर, नो साइंटिफिक कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर ऐसा आता है। ठीक है, वो कैलकुलेटर ले लेना है। नाउ चैप्टर नंबर 3, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर में हम लोग मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। ये तो 3 कर चुके हैं सर हम लोग। हाँ, आप लोग कर चुके हो, लेकिन थोड़ा डिटेल में है, थोड़े सम्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े बहुत नहीं। हाँ, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये दोनों चीज चाहिए और फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले चैप्टर नंबर 3 शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मीन। इट इज डिनोटेड बाय क्या है, एक्स बार। ओके, इसको एक्स बार बोलेंगे। ठीक है, ना अभी हमारे पास देखो दो तरीका है, वेन एक्साइज गिवन, अकेला एक्स आई दिया होगा, ठीक है, या एक्स दिया होगा, आपको एक्स देंगे या एक्स आई देंगे, कोई भी एक ही चीज दी गई हो, तब हमारे पास दो मेथड है मीन फाइंड करने की। अकेला एक्स आई दिया हो, नॉर्मल बोला हो कि फाइंड मीन, तो जब अकेला एक्स आई दिया हो तब दो मेथड है उसको फाइंड करने की, डायरेक्ट मेथड, सेकेंड शॉर्टकट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन ए। ओके, ये डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला है कि सिग्मा एक्स आई अपॉन ए, ये तो आप कर चुके हो, ये इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो फिर सिंपल प्लस करके डिवाइड कर। शॉर्टकट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन ए, मैंने ई लिखा मतलब सिग्मा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज डी आई, तो एक्स आई माइनस ए, क्या है, एक्स आई माइनस ए। ओके, ये आपके दो फॉर्मूला है, अगर जब अकेला एक्स आई दिया हो क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइंड मीन, और अकेला एक्स आई दिया हो तब दो मेथड से फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। अगर जो भी मेथड बोलती है, डायरेक्ट बोला हो तो डायरेक्ट करो, शॉर्टकट बोला है तो शॉर्टकट करो, अगर कुछ भी नहीं बोला हो तो आपको जो पसंद आता है वो कर सकते हो आप। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, मैंने इधर लिखे रखे, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, आप लिख लो। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन, ए क्या है वो सम में हम लोग देखेंगे, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, क्लियर हो गया, चलो हम लोग सम करें तो हमें पता चलेगा, प्रॉपर पता चलेगा कि क्या करना है हमें। ना चलो सम करते हैं, एक्स आई हमें नंबर्स दिए गए, सिंपल वे में क्या करना है, हमें प्लस करना है। ठीक है, हम लोग पहले मेथड कौन सी कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, तो प्लस कर देते 24 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 36 प्लस 39 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 48। ठीक है, आंसर इज 324, ये इसका टोटल कितना है 324, ये आपका x बार नहीं है, आपका x बार ये नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई मतलब एक्स आई का टोटल कितना है 324, कितना है 324। अभी n क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 324 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर क्या आया हमारा 36, क्या आया 36। ठीक है, ये कौन से मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड की। ओके, क्लियर, अभी हम लोग करेंगे इसका और एक सम करते हैं, फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड के दो तरीके से, ठीक है, ये याद रख लेंगे हम लोग। ठीक, ओके, चलो आगे करें,
127, 128, 124, 126, 125, 120, sorry, 133, 131 एंड 134. ओके, ये नंबर्स है हमारे पास. तो डायरेक्ट मेथड कैसे करनी है हमने हमें सीखा, सिर्फ टोटल करना है. और डायरेक्ट मेथड x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. ठीक है, देखो फॉर्मूला हर एक सम में लिखनी है. देखो अगर बाय चांस सम गलत हुआ लेकिन फॉर्मूला सही होगी तो मार्क्स मिलेंगे, 0.5 इसका एक्स्ट्रा मिलेगा. नहीं लिखोगे तो 0.5 काटेंगे, पूरा सम गलत है, जीरो मिलने वाले. अगर रिलेवेंट फॉर्मूला लिखी, रिलेवेंट जो जरूरी है वो फॉर्मूला लिखी तो 0.5 आपको मिलेंगे. हर एक स्कूल वाले को भी दे रहे हैं, बोर्ड में भी. अगर स्कूल वाले नहीं देते कोई टेंशन नहीं लेना, बोर्ड में कंपलसरी ये लिखने के लिए मार्क्स मिलते हैं हमें. ठीक है, तो 127 प्लस 128 प्लस 124 प्लस 126 प्लस 125 प्लस 133 प्लस 131 प्लस 134 कितना हुआ, 1028. आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप भी साथ में कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा मैंने हर एक को प्लस किया. ओके, तो 1028 एक बार वापस चेक कर लेते हैं तो गलती नहीं हो. दो बार चेक कर लेने का, मेरे से भी गलती हो सकती है बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन. सो यू डोंट हैव टू वरी कि भाई ये तो सही होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं. मैं रीचेक में दो बार मैं खुद कर लेता हूँ, जब भी मैं अकेले अपने आप सम करता हूँ तो मैं दो बार चेक कर लेता हूँ. 127 प्लस 128 प्लस 124 प्लस 126 प्लस 125 प्लस 133 प्लस 131 प्लस 134 तो 1028 सही है. चलो अभी n क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8 तो डिवाइडेड बाय 8 तो देखो 128.5. ठीक है, सिंपल है. डायरेक्ट मेथड तो बहुत इजी है, अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि कैसे करना है. शॉर्टकट मेथड इसके पहले वाला जो समझा ना उसके हम लोग बाद में करते हैं. तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा di अपॉन n. इसमें a क्या है, di क्या है, तो di मैंने आपको लिखवाया है फॉर्मूला में, di इज इक्वल टू xi माइनस a. अभी a क्या लेंगे, a मतलब एज्यूम, कोई भी नंबर एज्यूम करना है, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो. बट मैं आपको एक इजी तरीका सिखा रहा हूं, क्या है, सबसे लोएस्ट नंबर लो. क्यों सर लोएस्ट नंबर ले, लोएस्ट नंबर लेने से क्या होगा, सब कुछ प्लस में आएगा. अगर बीच में कहीं पे माइनस होगा ना तो आपको क्या कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो. इससे अच्छा इजी वे करो, सबसे लोएस्ट नंबर लो. क्या है सबसे लोएस्ट नंबर, तो 124 देखो. ओके, हमने ले लिया, उसके सामने क्या करोगे, जीरो लिख दोगे. सबसे पहले क्या करोगे, जीरो लिख दोगे. अभी क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, तो 127 माइनस 124 3, 128 एक्स आई क्या है हमारा 128 और ए क्या है 124, दोनों को माइनस करो तो 4. ओके, फिर 126 माइनस 124, उसमें वही करना है हमारा एक्स आई. मैंने सबसे लोएस्ट नंबर लिखवाया ना आपको, इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ प्लस में आएगा, कहीं पे भी कुछ भी माइनस नहीं होगा. क्या लेना है, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा, एक्स आई में से, कहां से, एक्स आई में से. एम आई क्लियर, ओके पता चल गया, डन. ओके, तो 2, 125 माइनस 124 तो 1, 133 माइनस 124 नहीं आता, कैलकुलेटर में कर लेने का, तो 9, 131 माइनस 131 माइनस 124 7 और 134 माइनस 124 10. ठीक है, ये माइनस किया, अभी प्लस कर ले, 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 कितना हुआ, 36. देखो ओरली मैं भी कर सकता हूं, मैं आपको आदत डाल रहा हूं कि आप कैलकुलेटर यूज करो. हाँ, जब जरूरत पड़ेगी कि नहीं कैलकुलेटर नहीं करना है तब मैं आपको सामने से बोलूंगा ये कैलकुलेशन इजी है आप कर सकते हो. ठीक है, मैंने कैलकुलेट करने में देखो 127 माइनस 124 पता है 3 है, मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया. जहां लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट यूज कर लेना, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना है कि भाई नहीं ये तो हम लोग कर सकते हैं, नहीं, कैलकुलेटर में ही चेक कर लेने का, सिंपल. ओके, तो ए क्या है हमारा, देखो इधर हमने ए क्या लिया है 124, डी क्या, सिग्मा डी आई मतलब डी आई का टोटल कितना है 36, ए क्या, एन क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8, तो 124 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 8 4.5
आंसर क्या आया 128.5। देखो दोनों मेथड से आंसर का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। दोनों मेथड आप कोई भी मेथड करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि फाइंड मी, आपने एक शॉर्टकट मेथड की है, मैन के सॉल्यूशन में डायरेक्ट मेथड है, लेकिन आंसर टैली होगा, ठीक है। देखो हो गया बंदूनों का आंसर टैली, ओके गॉट इट, ये पता चल गया पूरा टॉपिक, ठीक है। हम लोग जो पहले वाला सम किया था ना वो हम लोग वापस उसमें शॉर्टकट मेथड करते, तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है, ठीक है। मुझे याद है तब तक 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, ठीक है। अभी इसमें एक्स का टोटल करने के हम लोग कौन सी मेथड कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन, क्लियर। अभी डी आई क्या होगा, हमने देखा एक्स आई माइनस ए, मैंने क्या बोला ए क्या लेना है, सबसे लोएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट नंबर तो इसे पता ही चल जाता है क्या है, सबसे पहला, क्योंकि सीक्वेंस में है लोअर टू हायर नंबर है, तो जीरो, ओके। फिर थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर, नहीं आता कैलकुलेटर में कर सकते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 18 प्लस 21 प्लस 24। सर आप ऐसे फास्ट कैसे कर सकते हो, इधर देख के मैं कर रहा हूं, दो महीने के बाद आप भी ऐसे कर पाओगे, कैलकुलेटर को एक बार दिमाग में छाप देना है, बस हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर रेगुलर यूज करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। हमारे पास ए क्या है 24, सिग्मा डी आई 108, एन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 24 + 108 / 9 = 12, 36। बाकी करना ना ऐसे ही है, ठीक है, क्लियर, ओके। सो ये आज के लिए इधर तक रखते हैं, थैंक यू।